स्वागत है आपका, मैं दोस्त दिनेश निम्बावत। हम बाएंगे समाजशास्त्र के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पर है। हमने समाज के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था, समाज होता क्या है इसकी परिभाषा के संदर्भ में हमने जान लिया था। अब बात करेंगे सामाजिक समूह की, सोशल ग्रुप्स होते हैं क्या है इसके संदर्भ में बात करें सामाजिक समूह की। तो आपकी स्क्रीन पर सामाजिक समूह हमने दे रखा है, अब इसको देखेंगे सामाजिक समूह होता क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्ति, देखिए दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अंतःक्रिया करे तो इसमें संरचना व संगठन भी पाया जाता है, इसे सामाजिक समूह कहते हैं। ये क्या कहना चाहता है देखिएगा, सामाजिक समूह का तात्पर्य क्या है, इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, इसके अर्थ को, दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंतःक्रिया करें, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंतःक्रिया करें, इसमें संरचना व संगठन भी पाया जाता है। स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन और संरचना दोनों इसकी होती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सामाजिक समूह कहेंगे। अब अगला एक टॉपिक आता है, अगला शब्द है सामाजिक संकलन। अगला शब्द है सामाजिक संकलन, ये क्या होता है इसको जाने। व्यक्तियों की बहुलता जिसमें अंतःक्रिया का सापेक्षिक अभाव होता है, सापेक्षिक रूप से हम उसमें नहीं मिलते, अंतःक्रिया नहीं करते, देखिए सापेक्षिक अभाव पाया जाता है, तो संरचना व संगठन भी नहीं हो, सामाजिक संकलन कहलाता। अब होता क्या है, व्यक्तियों की बहुलता हो, सबसे ज़्यादा व्यक्ति हो और उनमें सापेक्षिक यानी कि पर्सनली जो अंतःक्रिया नहीं हो, व्यक्तिगत अंतःक्रिया नहीं होती, ठीक है। लंबी सामाजिक समूह तो वही होंगे, सामाजिक जो लंबे समय के लिए अंतःक्रिया हो, लेकिन इसमें लंबे समय के लिए अंतःक्रिया नहीं होती, सापेक्षित अभाव पाया जाता है अंतःक्रिया का, इसमें संरचना और संगठन भी नहीं होता, वो क्या कहलाता है, सामाजिक संकलन। जैसे कि हम देखें रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है, बस स्टैंड पर होती है, लेकिन वो सामाजिक समूह यानी वो सामाजिक समूह नहीं है, वो सामाजिक संकलन है। अब चलिए बात करते हैं सामाजिक श्रेणी की, सोशल कैटेगरी की बात करें, सामाजिक श्रेणी ये क्या होती है, सामाजिक श्रेणी को आप समझे। सम्मान सामान, देखिए सम्मान सामाजिक विशेषताओं के आधार पर निर्मित व्यक्तियों का समुच्चय जिसमें अंतःक्रिया संरचना और संगठन का अभाव पाया जाता है, जैसे राजस्थान के सेकंड ग्रेड टीचर, या फिर अभी हम रीड के मान ले, फर्स्ट ग्रेड के मान ले, मतलब ये होता है कि सम्मान सामाजिक विशेषता, विशेषताएं सम्मान है उनके, सामाजिक क्या है कि टीचर लाइन, सेकंड ग्रेड के टीचर, ये सामाजिक विशेषता होगी, लेकिन इनमें क्या होता है, ये व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन इनमें संरचना वो संगठन एक सा नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सामाजिक श्रेणी। अब बात करें सामाजिक समूह की परिभाषाओं के संदर्भ में, जानते हैं कि सामाजिक समूह की परिभाषाएं किन किन विद्वानों ने क्या कहा अपने मत में, उनको समझते हैं। सबसे पहले ऑकबर्न की बात करें, ऑकबर्न सामाजिक समूह की परिभाषा में क्या कहते हैं, देखें जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलें तथा एक दूसरे को प्रभावित करें तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है। ऑकबर्न क्या कहता है, ऑकबर्न कहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलेंगे, अब मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करना चाहिए तो क्या होगा, सामाजिक समूह का निर्माण होगा, ये कहना चाहता है समूह का निर्माण इस तरीके से हो जाएगा, होगा जब दो या दो से व्यक्ति मिलेंगे और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। चलिए उसके बाद मैकाइवर क्या कहते हैं, मैकाइवर एंड पेज, ये क्या कहते हैं इसको समझे, मैकाइवर एंड पेज कहते हैं सामाजिक समूह से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से निर्मित जटिल व्यवस्थाओं से है। मैकाइवर एंड पेज क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि सामाजिक समूह से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से निर्मित जटिल व्यवस्थाओं से है। उसके बाद बोटोमोर क्या कहते हैं, बोटोमोर को भी देखें, बोटोमोर क्या कहते हैं, बोटोमोर के अनुसार समूह व्यक्तियों का वो संकलन है जिसमें दो विशेषताएं पाई जाती है। दो विशेषताएं कौन कौन सी, सबसे पहली विशेषता बार बार गठित होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया, बार बार गठित होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा क्या है, व्यक्ति समूह के प्रति उसके प्रतीकों के प्रति जागरूक हो, व्यक्ति जो है एक तो समूह के प्रति क्या हो, और समूह के प्रति और जो उसके समूह के जो प्रतीक हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, बोटोमोर कहते हैं। अगली बात करें, अगले आते हैं मर्टन, मर्टन को देखें, मर्टन क्या कहना चाहते हैं, मर्टन कहते हैं मर्टन ने सामाजिक समूह की व्याख्या व्यक्तिनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ आधार पर की, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ के आधार पर इन्होंने की, कैसे देखें,
दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, स्थायी अंतःक्रिया होगी और व्यक्ति स्वयं को समूह का सदस्य माने, ये व्यक्तिनिष्ठता क्या होगी। एक तो खुद वो व्यक्ति खुद उस समूह का सदस्य माने और अन्य लोग भी उसे उस समूह का सदस्य स्वीकार करें। देखिए, खुद को माने समूह का सदस्य तो व्यक्तिनिष्ठ, और दूसरे भी उसको समूह का सदस्य माने क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद आते हैं जॉनसन। जॉनसन को समझे, जॉनसन क्या कहते हैं इसके विचार में। जॉनसन ने समूह निर्माण का आधार सहयोग को माना है। जॉनसन क्या कहते हैं, समूह का निर्माण जो होता है वो सहयोग से होता है, ये कहना चाहते हैं जॉनसन। उसके बाद गिडिंग्स आते हैं। गिडिंग्स क्या कहते हैं, गिडिंग्स ने कहा समानता की चेतना को समूह निर्माण के लिए आवश्यक माना है। गिडिंग्स ने क्या किया, समानता की चेतना को समूह निर्माण के लिए क्या माना, आवश्यक माना। उसके बाद एडवर्ड सापिर आते हैं। एडवर्ड सापिर ने समूह निर्माण के लिए व्यक्तिगत देखिए स्वार्थ को महत्वपूर्ण माना। एडवर्ड सापिर क्या कहते हैं, समूह निर्माण के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्वपूर्ण माना। व्यक्तिगत स्वार्थ, जब व्यक्तिगत अपना जब पर्पस होगा, जब स्वार्थ होता है तो हम किसी दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उससे अंतिक्रिया करेंगे, और जब लंबी अंतिक्रिया होगी तो एक सामाजिक समूह का निर्माण होगा, ये कहना चाहते हैं एडवर्ड सापिर के स्वार्थ को इन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ को क्या माना, महत्वपूर्ण माना है एडवर्ड सापिर ने। फिर बात करते हैं समूह की विशेषताएं। समूह की विशेषताओं के संदर्भ में बात करें, दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य होगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, सामान्य उद्देश्य होगा। दीर्घकालिक अंतःक्रिया होगी। निश्चित संरचना व संगठन होगा। परस्पर निर्भरता होगी। ये समूह की विशेषताएं हैं। अब बात करें सामाजिक समूह के वर्गीकरण को समझे, इनके प्रकार को समझते हैं। आइए धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से इसको समझते हैं, सामाजिक समूह का वर्गीकरण इसको समझते हैं। सामाजिक समूह का वर्गीकरण देखें, सबसे पहले कूले का वर्गीकरण देखें। कूले ने क्या वर्गीकरण दिया, किस तरीके से दिया देखें। कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कूले की पुस्तक का नाम क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। प्राथमिक समूह से अभिप्राय उस समूह से है जिसमें या जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं तथा ये सहयोग पर आधारित होते हैं। कूले ने क्या किया, कूले ने एक आपकी पुस्तक है कूले की पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इन्होंने एक प्राथमिक समूह जो प्राइमरी जो ग्रुप है उसकी एक अवधारणा प्रस्तुत की। और उस अवधारणा में हम देखें तो प्राथमिक समूह से मतलब क्या है, प्राथमिक समूह से मतलब ये जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होंगे, घनिष्ठ सामाजिक संबंध होंगे और ये सहयोग पर आधारित होंगे, एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होंगे। चलिए बात करें प्राथमिक समूह के तीन उदाहरण आप यहाँ देखें। तीन उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं सामाजिक जो समूह, प्रथम प्राथमिक जो समूह है उसको देखें, तीन उदाहरण के माध्यम से देखें। यहाँ पहला परिवार, घनिष्ठ संबंध होते हैं, सहयोग पर आधारित होते हैं। फिर सेकंड पड़ोस, फिर तीसरा मित्र समूह या क्रीड़ा समूह जिसे प्रिय ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, कूले निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर इन्हें जो है प्राथमिक समूह की संज्ञा दी, इन्होंने किस आधार पर दी वो भी देखिएगा आप, इन्होंने किस किस विशेषताओं के आधार पर इसको कहा कि ये देखिएगा, ये इन्होंने कूले ने विशेषता बताई प्राथमिक समूह की, इस कारण इसको दिया प्राथमिक समूह का। देखिएगा सबसे पहले समय की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आते हैं, परिवार सबसे पहले आता है, फिर पड़ोस, फिर मित्र सबसे पहले आते हैं, इसलिए इन्होंने कहा व्यक्ति के जीवन में इसका सर्वाधिक महत्व होता है। परिवार में तो महत्व है ही क्योंकि हम खेल कूद कर यहीं बड़े होते हैं, अपना जीवन यहीं संपन्न होता है। पड़ोस से तो संबंध कायम करना ही है, कभी चाय पत्ती कवत्ती खत्म हो गई तो ले आएंगे, कभी शक्कर खत्म हो जाती है, हाँ तो ऐसे एक दूसरे के लिए सहयोग पर आधारित हो गए, हालांकि कम मांगना चाहिए। ये व्यक्तित्व विकास और सामाजिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिएगा ये व्यक्तिगत विकास के लिए, सामाजिकरण के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए कैसे, हम क्योंकि हम मनुष्य है जो हम अनुकरण के द्वारा, अनुभव के द्वारा भी सीखते हैं, तो अनुकरण के द्वारा हम कंसेप्ट संपर्क का निर्माण करते हैं, तो जब हम जो देखेंगे वस्तु उसी का संपर्क हम अपने दिमाग में बैठाते हैं और उसी के अनुरूप हम चलते हैं, तो उसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और सामाजिकरण में भी उसी टाइप का होता है। जैसा परिवार वैसा, जैसा पड़ोस जैसी मित्र मंडली होगी, उसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिकरण में भी पड़ेगा। तो ये क्या, ये व्यक्तिगत और सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फिर बात करें डेविस की। डेविस महोदय आए, डेविस क्या कहते हैं, डेविस ने प्राथमिक समूह के चार उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। भाई उन्होंने तीन किए थे, इन्होंने चार कर दिए। अब चार में क्या क्या शामिल किया, देखिए सबसे पहले परिवार लिया,
सेकंड पड़ोस लिया, फिर मित्र लिया और चौथा गांव लिया, क्योंकि ये गांव भी तो उन्होंने कहा कि जो जीवन के साथ ही आता है, जीवन में सबसे पहले आता है जन्म के बाद। तो इसके आधार पर अब डेविस ने प्राथमिक समूह की विशेषताओं को दो भागों में बांट दिया। अब प्राथमिक समूह की विशेषता है जो डेविस ने उसको दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से? सबसे पहले भाई देखें, भाई लघु या सीमित। सेकंड हो गया आमने सामने के घनिष्ठ संबंध। भाई के भी अंदर देखिए लघु या सीमित आकार के और आमने सामने के घनिष्ठ संबंध। डेविस ने जो है आमने सामने के संबंधों के लिए शारीरिक निकटता का आवश्यक माना। डेविस ने कहा कि आमने सामने के संबंध जब भी परिपक्व हो पाएंगे या ज्यादा हो पाएंगे घनिष्ठ संबंध, जब हम शारीरिक निकटता उनमें होगी, फिजिकली रूप से जब अटैचमेंट होगा, निकटता होगी, तब हम उसको क्या है कि सामाजिक संबंध जो है घनिष्ठता में आएंगे प्राथमिक समूह के अंतर्गत। ये बात की इन्होंने। जबकि कूले इसे भावनात्मक, ये देखो डेविस ने तो कहा शारीरिक संबंध जो है, शारीरिक निकटता बहुत जरूरी है, लेकिन ये कूले क्या कहता है? कूले यहाँ कहता है कि भावनात्मक निकटता के रूप में व्यक्त करते हैं, कि उन्होंने कहा, कूले कहता है कि भावनात्मक निकटता होनी चाहिए, जबकि डेविस कहता है शारीरिक निकटता होनी चाहिए प्राथमिक समूह के लिए, घनिष्ठ संबंध के लिए। ये बात ठीक है। फिर डेविस का अगला क्लासिफिकेशन इसकी विशेषताओं का, तो देखें कि दीर्घकालिक अंतःक्रिया व लंबी अवधि, दीर्घकालिक अंतःक्रिया व लंबी अवधि होनी चाहिए प्राथमिक संबंधों के लिए। देखें तो लंबी अवधि आवश्यक है, हम लंबे समय के लिए किसी से मिले तब हम प्राथमिक समूह का निर्माण कर पाएंगे। विशेषताओं को समझे, बाह्य हमने देख ली, उसके बाद आप देखिएगा इसमें विशेषताएं क्या क्या इसकी। संबंध स्वयं साध्य होता है, संबंधों को साधने की जरूरत नहीं होती, हम जानबूझ के संबंध स्थापित नहीं करते, ठीक है, उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, हमारे जीवन में जो है संबंध ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, स्वयं साध्य होते हैं, ठीक है। संबंध संपूर्ण होते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, भावनात्मक संबंध होते हैं, संरचना व संगठन होता है इनमें। फिर बात करें ये शब्द आया संबंध स्वयं साध्य होते हैं, इसको देखें, कई बार पूछा जा सकता है कथन और कारण में कि इसका स्पष्ट विवरण दीजिए क्या है कथन में, देखिएगा कथन से ये कारण है, वो उस टाइप के जो सवाल आते हैं इसमें देखिएगा। देखो संबंध स्वयं साध्य होते हैं, इसको समझे, प्राथमिक संबंधों में साधन व साध्य का भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात प्राथमिक समूह संबंधों का उद्देश्य या सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी साधन के रूप में नहीं होता। जो सामाजिक संबंध होते हैं उसका निर्माण हम किसी साधन के रूप में नहीं करते, बल्कि उन्हें बनाए रखना ही उद्देश्य प्राप्ति होती है। हम क्या जो संबंध बनाते हैं उसको साधन के रूप में स्वीकार नहीं करते या उसको इस्तेमाल नहीं करते, हम उन संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। जब उन संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या हो गया, संबंधों को बनाए रखना, तो संबंध क्या हो गए, साध्य हो गए, ना कि साधन। फिर बात करते हैं संपूर्ण, देखिए संबंध संपूर्ण होते हैं, देखिए प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंध जीवन प्रयत्न होते हैं, अर्थात कभी समाप्त नहीं होते। फिर बात करें अनौपचारिक, अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक के रूप में अगर हम देखें तो अनौपचारिक संबंध की बात करें, ये वे संबंध जो नियम व सिद्धांत पर आधारित हो, जिनमें अधिकार व कर्तव्य सुनिश्चित हो, औपचारिक संबंध कहलाते हैं, बल्कि जिसके इसके विपरीत जो होगा वो क्या कहलाएंगे, अनौपचारिक संबंध कहलाएंगे, ठीक है। फिर बात करें व्यक्तिगत संबंध की बात करें, व्यक्तिगत संबंध के संदर्भ में देखा जाए तो समझे इसको, प्राथमिक समूहों में संबंध व्यक्तियों के मध्य पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह जो होता है, प्राइमरी जो सोशल ग्रुप होता है, उसके अंदर जो होता है व्यक्तियों के मध्य ये व्यक्तिगत संबंध पाया जाता है। इनमें से कोई एक व्यक्ति नहीं रहे तो समाप्त संबंध जो होता है आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो व्यक्तिगत संबंध होंगे वो व्यक्तियों के मध्य पाए जाएंगे, उनमें से अगर एक व्यक्ति नहीं रहा तो संबंध क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनका जो है हस्तांतरण नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात करें भावनात्मक संबंध, भावनात्मक संबंधों को देखें, भावनात्मक संबंध की बात करें तो प्राथमिक समूह में व्यक्तियों के मध्य भावनाओं पर आधारित होता है। जो प्राथमिक समूह होता है ना वो व्यक्तियों के मध्य भावनात्मक पर आधारित होते हैं, भावनाओं पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें अपन प्रेम, लगाव, त्याग आदि, ये भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं प्राथमिक समूह। फिर बात करें संरचना और संगठन की, संरचना और संगठन की बात करें तो इसमें प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, सदस्यों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, उनका निश्चित संगठन ही पाया जाता है। जो प्राथमिक संबंध होते हैं वो क्या होता है, उनका आकार छोटा होता है और सदस्यों के मध्य जो है घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, अतः उनका निश्चित संगठन ही पाया जाता है। अब बात करें द्वितीयक समूह की, सेकेंडरी ग्रुप्स की, सेकेंडरी ग्रुप्स को अगर देखा जाए द्वितीयक समूह को, तो
कुले की पुस्तक है, कुले की पुस्तक का नाम है एलिमेंट्री सोशियोलॉजी, ठीक है। कुले की पुस्तक है, कुले ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री सोशियोलॉजी में द्वितीयक शब्द की अवधारणा दी। बाद में डेविस ओ होमंस ने भी इसकी व्याख्या की थी। देखिएगा, सेकेंडरी जो ग्रुप है उसकी समूह की अवधारणा, द्वितीयक समूह की अवधारणा दी कुले ने। कुले की पुस्तक का नाम एलिमेंट्री सोशियोलॉजी। बाद के अंदर आए, इसके बाद आए डेविस और होमंस, दोनों आए और दोनों ने इस जो शब्द दिया, द्वितीयक समूह की जो अवधारणा दी उसकी क्या कर दी, वह क्या कर दी। चलिए बात करते हैं कूले क्या कहता है। कूले के अनुसार वे समूह जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों का अभाव पाया जाता है, या प्राथमिक समूह की विशेषताएं अनुपस्थित हो। सीधी सी बात है, ये कूले क्या कहना चाहते हैं कि आमने सामने के घनिष्ठ संबंध नहीं होते। दूसरा, जो प्राथमिक समूह की जो हमने विशेषताएं देखी, लंबी अंत्यक्रिया वगैरह, वो उनकी इसमें क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, द्वितीयक समूह के अंतर्गत, वो द्वितीयक समूह कहलाते हैं। जैसे बात करें कक्षा में, और एक राजनीतिक दल की बात करें, व्यापारिक समूह, श्रमिक समूह, इनमें घनिष्ठ संबंध नहीं होते। कक्षा का कक्षा तक हो गया, लंबी अंत्यक्रिया कक्षा तक रहेंगे, उसके बाद वो कहीं हम कहीं, राजनीतिक दल एक राजनीतिक पर्पज के उद्देश्य से हो गया, इनमें व्यक्तिनिष्ठ जो है संबंध या व्यक्तिनिष्ठ घनिष्ठता इनमें नहीं होती। व्यापारिक पर्पज क्या हो गया इनका, इनका साध्य क्या हो गया, व्यापारिक समूह का साध्य। मेन चीज हमने देखा कि जो संबंध है स्वयं साध्य होते हैं। अब प्राथमिक समूह में क्या होता है, हम संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमारा साध्य क्या हो गया, संबंधों को बनाए रखना, बल्कि व्यापारिक समूह हो गया। व्यापारिक समूह में साध्य क्या हो गया, इनके अपना उद्देश्य क्या हो गया, व्यापार करना, हम व्यापार के लिए समूह बना रहे हैं। तो क्या ये, इन्हें ये भावनात्मक नहीं हुआ, ये किस पे आधार पर हो गया, व्यापार के आधार पर, वाणिज्य के आधार पर। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक समूह हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा, अब द्वितीयक समूह की हम विशेषताएं देखें, द्वितीयक समूह की विशेषताओं को समझे, द्वितीयक समूह होता है क्या, इनकी विशेषताओं को देखें एक बार। बड़ा विस्तृत है, व्यापक आकार होगा, जैसे कि राजनीतिक दल विश्व स्तर पर हो सकता है, राष्ट्र स्तर पर हो सकता है, राज्य स्तर पर हो सकता है। इसका आकार क्या हो गया, विस्तृत हो गया। आमने सामने घनिष्ठ संबंधों का अभाव पाया जाता है, बताया हमने बात की। द्वितीयक संबंधों में सामाजिक अंत्यक्रिया की अवधि कम होती है, राजनीतिक पार्टी वाले डेली थोड़ी मिलते हैं, रोजाना थोड़ी मिलते हैं, 6 महीने 12 महीने 5 साल बाद जब भी काम पड़ता है तभी आता है। तो राजनीतिक दल, इनके मध्य क्या होती है, अंत्यक्रिया की अवधि कम होती है। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है। फिर बात करें, संबंध केवल साधन मात्र होता है। अब देखिएगा, साधन मात्र, हमने उसमें प्राथमिक समूह में बात की कि जो होते हैं संबंध होते हैं साध्य होते हैं। संबंध और साध्य का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। साधन क्या होते हैं, साध्य क्या होता है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ साधन और संबंध के संदर्भ में। संबंध केवल साधन मात्र होते हैं। अब देखिए, मैंने की इसमें बात की हमने श्रमिक दल की, श्रमिक समूह की, राजनीतिक समूह की। अब होता है क्या, इसमें इस शब्द को देखें कि इस जो संबंध होते हैं केवल साधन मात्र होते हैं, और राजनीतिक व्यापारिक हमने समूह बनाया क्यों, क्योंकि हमारा पर्पज क्या, व्यापार करना, और राजनीतिक समूह क्या हो गया, हमें सत्ता हासिल करनी है, राजनीति करनी है। तो हमारा जो साध्य तो हो गया राजनीतिक दल का कि सत्ता प्राप्त करनी है, और व्यापारिक समूह का क्या हो गया, हमें व्यापार करना है। तो साधन क्या हो गया, हम संबंध कायम कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, वो क्या हो गया, साधन। और साध्य क्या हो गया, जो हमारा पर्पज है, यानी कि राजनीतिक दल हो गया तो हमें सत्ता प्राप्त करनी है, और व्यापारिक समूह हो गया तो हमें क्या करना है, व्यापार करना है, ठीक है। औपचारिक संबंध होता है, इनमें अनौपचारिकता नहीं पाई जाती, और ये अव्यक्तिगत संबंध होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते। उपयोगितावादी संबंध है, मतलब एक तरफ से मतलब कि हमें उपयोग करना है, संरचना और संगठन में कमी पाई जाती है। चलिए, ये बात हमने द्वितीयक समूह की कर ली। अब एक और भी शब्द है, अर्ध प्राथमिक देखें, अर्ध प्राथमिक क्या होते हैं उसको देखें, अर्ध प्राथमिक। कूले क्या कहते हैं, कूले कहते हैं वे समूह जिनमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब ये क्या बोलते हैं, एक तीसरा वर्गीकरण और प्रकार और लेके आ गए, इन्होंने कहा कि अर्ध प्राथमिक जो, अब कूले कहते हैं कि एक तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह दोनों के बीच की अवस्था है, यानी कि दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं, दोनों की विशेषताएं जिनमें पाई जाती है, वो क्या हो गया, अर्ध प्राथमिक। जैसे कि क्या, कि क्लब मेंबर वो डेली अंत्यक्रिया करते हैं,
उनमें भावनात्मक संबंधी बन जाते हैं। ठीक है, एनसीसी भावना क्या हो गई इनकी, एनसीसी का एक ही होता है सेवार्थ वाला, स्काउट सेवा वगैरह, तो उसमें उनमें भावनात्मक संबंध बन जाते हैं। ये दोनों के जिसमें गुण पाया जाता है, दोनों की जो विशेषताएं पाई जाती है, वो हो गया अर्ध। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम आगे बात करेंगे अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए जो सामाजिक समूह है उनके वर्गीकरण की। आज के क्लास में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कंटेंट भी समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।